मुंबई में मंगलवार की बारिश काफी ज्यादा खास रही। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। इस बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भी भारी ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ, किसानों की करोड़ों रुपए की फसल मिनटों में बर्बाद हो गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को 16.6 मिमी बारिश हुई, जो कि 2006 के बाद मार्च महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। भारत मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मुंबई की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने कहा कि सांता क्रूज वेधशाला ने 10 मार्च 2006 को 11.9 मिमी बारिश दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पिछले 17 सालों में यह एक दिन सबसे अधिक बारिश हुई। इससे पहले 1918 में कोलावा वेधशाला में मुंबई में मार्च महीने में अब तक की सबसे अधिक एक दिन की बारिश दर्ज की गई थी और अब ये 17 सालों का रिकॉर्ड कल हुई बारिश ने तोड़ा है। आपको बता दें कि मार्च महीने में मुंबई में बारिश होना बहुत ही असामान्य बात है। IMD ने बताया कि अरब सागर से पश्चिमी हवाएं नमी के साथ आने से यह बारिश हुई। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इसके अलावा शहर में 30 से 40 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी दौर देखा गया। मुंबई के साथ ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ में भी मध्यम बारिश हुई थी।